वेलकम टू माय चैनल मी स्वाति एंड आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो पिछली बार ना मेरे प्यारे 6 सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि दी प्लीज आप एक अल्फाबेट मेकअप चैलेंज करो, एंड मैंने बोला कि यस क्यों नहीं मैं करूं। तो मैंने बोला कि ऑफ कोर्स मैं करूंगी, एंड वो दिन है आज का जहां पे मैं अल्फाबेट मेकअप चैलेंज करने वाली हूं। अगर उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और भी चैलेंज वीडियो देखने के लिए ना प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बता देना कि मुझे नेक्स्ट चैलेंज वीडियो कौन सा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं मेकअप करने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने CTM कर लिया है, तो इसलिए मैं मेकअप जहाँ से शुरू करूँगी वो है प्राइमर। पहले मैं आपको यहाँ पे चैलेंज समझा देती हूँ। अगर जिन लोगों ने अल्फाबेट मेकअप चैलेंज वीडियो देखा है तो उन लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन अगर जो लोग को नहीं मालूम है उनको मैं बता देती हूँ, जैसे ABCDEFG, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से मैं चलूँगी। और जहाँ पे जैसे कि A फॉर से कुछ नहीं होता मेकअप में, B फॉर से होता है ब्रश, ब्लश, ओके, तो बी से जो रहेगा उसके बाद जो सी से आएगा कॉन्टोर, कंसीलर, तो ठीक है उस अकॉर्डिंग से मैं मेकअप करूँगी। तो इसमें यही चैलेंज है एंड वीडियो में बहुत अधिक मजा आने वाला है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी बकवास के, तो लेट्स गो। तो फर्स्ट जो आने वाला है वो है ए से कुछ नहीं होता है मेकअप में, बी से होता है ब्लश, ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश, ठीक है। ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर को तो मैं पूरे वीडियो में यूज़ करूँगी, तो इससे पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ ब्लश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ली है, क्योंकि इसके बाद जो मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, कंसीलर लगाऊंगी, तो वो थोड़ा सा ना छुप ना जाए, तो इसलिए मैं सबसे पहले लगाने वाली हूँ लिपस्टिक से ब्लश। तो यहाँ पे मैंने लैक्मे का लिपस्टिक लिया है रेड कलर की, एंड इसी से यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ। फटाफट ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है, एंड इसके बाद जो आता है वो है सी, और सी से होता है कॉम्पैक्ट, कंसीलर और कॉन्टोर, ओके। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज ले लिया है, ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज करने वाली हूँ कॉन्टोर, तो यहाँ पे मैंने NYB का कॉन्टोर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टोर लगा लिया है। अब मैं लगाने वाली हूँ कंसीलर, जो कि यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जिसका शेड नंबर है वो 03। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया, यहाँ से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं यहाँ पे इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे मैं मेकअप हैक ट्राई कर रही हूँ। मेकअप हैक में भी तो यही होता है, पहले सब कुछ अप्लाई कर लो, उसके बाद फिर फाउंडेशन बाद में अप्लाई जाके करो। यहाँ पे मैं कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरा कॉन्टोर एंड कंसीलर कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ सी फॉर कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट लिया है, एंड इस सी की हेल्प से मैं अपने मेकअप को थोड़ा सा सेट कर लूंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना कॉम्पैक्ट भी यूज कर लिया है। चलो अभी तो यहाँ पे सी कंप्लीट हो चुका है, अब डी से कुछ होता है क्या? डी से तो आई थिंक कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता होगा तो प्लीज आपने नीचे मुझे कमेंट में जरूर बता देना। एंड उसके बाद आता है ABCDEFGE, हाँ ई से होता है आईब्रो, आई शेडो, आई लाइनर, ओके, थ्री चीज। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज ले लिया है, एंड मैं सबसे पहले अपना आईब्रो फिल करने वाली हूँ। आईब्रो पेंसिल लिया है वो है ब्लू हेवन का ब्राउन आईब्रो पेंसिल, ठीक है, एंड इसमें कॉम्ब भी है, तो पहले मैं इसकी हेल्प से इसे मैं अच्छी तरह से फिल कर लूंगी। एंड इसमें कॉम्ब भी दिया है, तो इसी के हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से कॉम्ब कर लूंगी। आईब्रो डन, एंड इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ आई शेडो।
कंप्लीट एंड इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ आईलाइनर। ओके तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आईलाइनर हो गया कंप्लीट एंड अब मेरा जो नेक्स्ट अल्फाबेट आने वाला है वो है ई के बाद एफ, ठीक है। और एफ में आता है फाउंडेशन एंड फॉल्स आईलैशेस या टू चीज आते हैं, तो मैं इसे फटाफट से अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टेक कोर्की का फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ और उसको मैं ले लेती हूँ अप्लाई। फाउंडेशन कंप्लीट एंड जो दूसरा चीज वो है फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करना, तो वो मैं अप्लाई करने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने आऊंगी क्योंकि उसे अप्लाई करना ना बहुत ज्यादा टफ होता है खासकर मेरे लिए, क्योंकि उसमें अप्लाई करने मुझे आधा घंटा निकल जाता है, तो मैं उसे अप्लाई कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है अपना फॉल्स आईलैशेस एंड उसके बाद क्या आता है एफ जी एच, जी से तो कुछ नहीं होता एंड एच से होता है हाइलाइटर, तो हम लोग सबसे पहले हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया अपना हाइलाइटर और इसे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एच से अपना हाइलाइटर कंप्लीट कर लिया है, तो होगा जी एच आई, आई से कुछ है जे तो शायद नहीं है कुछ एंड के से है काजल। ओके तो काजल मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है लैक्मी का काजल। ओके तो इसे मैं थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काजल अप्लाई कर लिया है, तो उसके बाद क्या होता है जी एच आई जे के एल, एल फॉर लिपस्टिक। ओके तो एल से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अपना लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली ब्लू हेवन का लिक्विड लिपस्टिक, ठीक है, एंड इसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और मैंने अप्लाई कर लिया है लिपस्टिक एंड इसके बाद जो आने वाला है वो है पी, क्योंकि पी फॉर प्राइमर ही है एंड इसके बाद आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई मेकअप प्रोडक्ट यहाँ पे छूट गया है। ओके तो यहाँ पे मैंने लिया है ये इनसाइड का प्राइमर, ठीक है, एंड पूरा मेकअप होने के बाद मैं अप्लाई करने वाली प्राइमर। ओके तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अमाउंट लिया है क्योंकि पूरा मेकअप होने के बाद इसे अप्लाई करना बहुत बड़ी बेवकूफियत है, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टच करा दे रही हूँ। आई एम सॉरी, M4 होता है मेकअप फिक्सर, तो मैं उसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो M4 होता है मेकअप फिक्सर, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर एंड M आएगा फिर के बाद प्राइमर आएगा, सॉरी बट मैं यहाँ यूज करी मेकअप फिक्सर पहले। मेकअप फिक्सर भी अप्लाई कर लिया है एंड इसके बाद आता है एस, तो एस फॉर होता है स्वा ब्लॉग का चैनल, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एस फॉर से सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फाइनल लुक। तो यह कमेंट में मुझे बताना कि अगर मैंने कोई मेकअप प्रोडक्ट छोड़ दिया है तो उसे आप लोग मुझे कमेंट में बता देना एंड वीडियो कैसी लगी उसे भी आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बता देना। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर देना एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना जिससे मेरी जो न्यू वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।